नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने 27 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज अपना है 28वां प्रश्न, जो कि 28वां प्रश्न है सेम आपका है जो 26वां प्रश्न करवाया था उसी के जैसा है। उसमें साइन थोड़ा सा चेंज करना है, वो ध्यान रखना। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, साइन बीच में है प्लस का, साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब बेटा सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड और अपना लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, बीच में साइन है प्लस का, साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अब आप देखिएगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो आपका सेम है, 1 माइनस टेन थीटा को लिखा मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहाँ चेंज क्या किया सिर्फ मैंने कि टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा में चेंज किया, साइन है बीच में प्लस का, साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी मैंने सेम लिखा, ये भी मैंने सेम लिखा। यहाँ टेन थीटा को सिर्फ चेंज किया मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब बेटा इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बटे में इसका एलसीएम कितना आ गया, कोस थीटा, और यहाँ 1/1 मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को कोस थीटा से क्या किया अभी भाग दिया तो आपका कोस थीटा आ गया, कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो आ गया आपका कोस थीटा, और माइनस का साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, एलसीएम लेना तो आपको आता है, मैंने बार बार क्वेश्चनों में करवाया। और साइन बीच में है प्लस का, साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है भी बेटा। अब बेटा देखिएगा, ये भाग में है, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, गुणा में, तो कोस स्क्वायर तो पहले ही है, 1 कोस और हो गया तो क्या आ गया आपका, कोस क्यूब थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आपको प्रश्न नंबर 26 याद आ गया होगा, इसी प्रकार किया तो मैंने उसमें क्रम चेंज किया था। आप जानते हो बेटा, ए प्लस बी को अगर मैं बी प्लस ए लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 2 प्लस 3 को अगर मैं 3 प्लस 2 लिख दूं, दोनों का सम तो कितना आना है, 5 आना है, तो ये मैं पहले लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन बीच में प्लस का है, कोस क्यूब थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा आप याद कीजिएगा, प्रश्न नंबर आप 17वां, प्रश्न नंबर 20वां और प्रश्न नंबर 26वां, तीनों प्रश्नों में हमने यहां माइनस कॉमन लिया था, अगर आपको याद हो तो, उसी प्रकार इस प्रश्न में भी क्या लेंगे, कॉमन माइनस लेंगे, ताकि आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आ जाए बेटा, एलसीएम आ जाए। अब इसका एलसीएम लूंगा तो आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि यहां साइन प्लस का है, यहां किसका है, माइनस का, कोस माइनस का है, कोस है प्लस का, तो यहां साइन क्यूब थीटा तो आपका सेम है बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस इनटू माइनस क्या हो गया, माइनस कोस क्यूब थीटा बटे में। अब बेटा माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला तो क्या हो गया, माइनस, और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, तो साइन थीटा माइनस का है, बाहर चला गया, क्या बच गया भाई, प्लस का, और कोस किसका हो गया, माइनस का। ये काम मैंने बस इसलिए किया है
ताकि आपका ये सेम आ जाए। यहां भी आपका क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां भी आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एलसीएम देखिए, आपको 26वां प्रश्न आया है, 17वां समझ में आया है, 20वां प्रश्न समझ में आया है, तो आपको इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम एकदम क्वेश्चन है यहां से आके, यहां उसमें भी हमने माइनस वाला चेंज किया था, 17वें में भी किया, 20वें में भी किया, 26वें में भी किया और 28वें में भी कर रहे हैं। तो यहां आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग दिया एक, और यहां कितना आ गया फिर साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार यहां भी कितना आ गया भाई कोस क्यूब थीटा। यहां सरल समीका का प्रयोग किया, एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब, और बेटा आप जानते हो एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब, एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। वो एक ही बात है, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला था एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब। तो यहां इस सरल समीका का प्रयोग किया, एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब, और बेटा यहां ए आपका साइन थीटा है और बी कितना है कोस थीटा, तो आपका आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब बेटा आप देखिए ए माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में ए बी, आप मुझे बताएं ये आपस में कट गया कि नहीं, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक, तो यहां आ गया आपका एक प्लस। अब आप देखिए बेटा यहां स्केयर नहीं, यहां एक, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना है एक, और यहां साइन किसका है प्लस, क्या बच गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और बेटा यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका 26 और क्वेश्चन नंबर 28। आज एक बार फिर से ये चारों क्वेश्चन अच्छे से साथ में निकालना, ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से साथ में निकालना, चार के चार प्रश्न दोबारा से रिपीट करना आप ये चार प्रश्न। अब देखो एक बार फिर से थोड़ा समझाई देता हूं मैं आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा को चेंज किया साइन थीटा बटे कोस थीटा में, और यहां आपका सेम चल रहा है, यहां एलसीएम लिया तो आपका ये आ गया, यहां कोस थीटा बटे में ऊपर जाते ही गुणा में आ गया तो आपका कोस क्यूब थीटा आ गया। फिर उसके बाद आपने यहां क्रम चेंज कर दिया, इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में, अगर आप इस प्रकार लिखते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद बेटा आपने क्या किया, यहां माइनस का कॉमन ले लिया ताकि इनका एलसीएम सेम आ जाए, फिर आपका प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ एलसीएम लिया तो आपका ऊपर ये आ गया। फिर हमने सरल समीका का प्रयोग किया एगी क्यूब माइनस बीगी क्यूब तो आपका ये आता है, और यहाँ आपस में ये बेटा कट गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है एक, एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, आप रूटीन से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन आसान है बट आप रूटीन से करो, क्लास भी बेटा रेगुलर लगाओ, अगर रेगुलर लगाओगे दो तीन बार आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिवाइज कर लिया करो एक दो बार, मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, और मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया है फिर, और एक भी फार्मूला भी नहीं छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आए तो आप देख सको। अब देखिएगा बेटा आपका प्रश्न संख्या है 29 और इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिएगा 29वां क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा, यदि sec थीटा प्लस
टेन थीटा इज इक्वल टू है आपका पी। तो आपको प्रूव करना है कि पी स्केयर माइनस वन और पी स्केयर प्लस वन बराबर है साइन थीटा। बराबर क्या दिया गया है? साइन थीटा। अब सुनो भाई ध्यान से, आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर है 29। आपको दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका क्या है? p। तो आपको प्रूव करना है कि p स्केयर माइनस वन बटे में p स्केयर प्लस वन बराबर आपका है sin थीटा। अब बेटा देखिएगा, उससे पहले मैं एक आपको सर्वसमिका करवाता हूं कि sec स्केयर थीटा बराबर क्या होता है? एक प्लस टेन स्केयर थीटा। आपकी सरल समीका नंबर दो थी कि नहीं कि sec स्केयर थीटा तो बराबर है एक प्लस टेन स्केयर थीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो sec स्केयर थीटा माइनस वन किसके बराबर आएगा? टेन स्केयर थीटा। आपकी सरल समीका नंबर दो थी कि sec स्केयर थीटा बराबर होता है एक प्लस टेन स्केयर थीटा। अगर इस एक को इधर ले जाऊं मैं तो बोलिएगा प्लस से क्या हो गया? माइनस। तो sec स्केयर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है? टेन स्केयर थीटा। इन दोनों इस सरल समीका का हम प्रयोग करेंगे। अब देखना, तो सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड अपना है पी स्केयर माइनस वन बटे में पी स्केयर प्लस वन, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अब देखिए पी आपका कितना है? sec थीटा प्लस टेन थीटा, और स्केयर है तो होल स्केयर, माइनस का वन। sec थीटा प्लस टेन थीटा इसकी भी होल स्केयर है, और बेटा प्लस का कितना है? वन। बोलिएगा यहां तक क्लियर है कि नहीं? sec थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्केयर माइनस का वन है, sec थीटा प्लस टेन थीटा की होल स्केयर प्लस का वन है। यहां जस्ट मैंने क्या किया कि p का मान पुट किया है, और बेटा p का मान है आपका sec थीटा प्लस में टेन थीटा। अब आप जानते हो कि a प्लस बी की होल स्केयर किसके बराबर होती है? ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस में बी स्केयर। ए प्लस बी की होल स्केयर किसके बराबर होती है? ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस में बी की स्केयर। यहां देखिएगा, मैंने इस सरल समीका का प्रयोग किया तो आपका आ गया sec स्केयर थीटा प्लस में टू ए बी, टू इंटू sec थीटा इंटू में tan थीटा, और प्लस बी स्केयर का मतलब क्या आ गया? tan स्केयर थीटा। बेटा देखो sec थीटा प्लस tan थीटा की होल स्केयर है, यहां मैंने a प्लस बी की होल स्केयर वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाली सरल समीका आई तो ये आ गया, और साइन बीच में क्या है? माइनस, और माइनस का क्या है? वन, और बटे में, या फिर हम a प्लस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आएगा sec स्केयर थीटा प्लस टू sec थीटा इंटू में tan थीटा प्लस tan स्केयर थीटा प्लस में वन। उम्मीद करता हूं यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, यहां मैंने p की वैल्यू पुट की, यहां स्केयर है तो a प्लस बी की होल स्केयर वाला फार्मूला यूज किया, इसको सोल्व किया तो आपका ऊपर ये आ गया साइन बीच में माइनस का वन, और नीचे एक बार क्या है? प्लस का वन। अब बेटा देखो यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो sec स्केयर थीटा है ना, और माइनस का क्या है? वन। अब देखना ध्यान से समझना, यहां से sec स्केयर थीटा माइनस का वन, वन को मैंने पहले लिख लिया, प्लस टू sec थीटा इंटू में टेन थीटा प्लस
टेन स्केयर थीटा। जस्ट मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने क्या किया है कि इस माइनस वन को मैं इधर ले आया, बस क्रम ही तो चेंज किया है ना, यहां लास्ट में यहां दो नंबर पे और यहां ये वाला मैंने सेम रखा। sec स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा इनटू में tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का वन। यहां तक समझ में आ गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहां p की वैल्यू पुट की और यहां जस्ट मैंने लास्ट में से यहां लेके आ गया दो नंबर पे, एक दो तीन चौथे नंबर पे है, चौथे से मैं कौन से नंबर पे लेके आ गया दूसरे पे, क्रम ही चेंज किया कर सकता हूं। अब बेटा देखो फार्मूला कहां बनता है, अब आप मुझे बताएं sec स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, इसकी जगह मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस में टू sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा प्लस में टू sec थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। देखो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, यहां sec स्क्वायर थीटा माइनस वन दिखाई दे रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह मैंने क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, एक ही सरल समीकरण का प्रयोग तो हो रहा है, और यहां tan स्क्वायर थीटा प्लस वन है, tan स्क्वायर थीटा प्लस वन है, तो यहां क्या लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आप मुझे ये बताएं tan स्क्वायर और tan स्क्वायर कितना हो गया, टू tan स्क्वायर थीटा प्लस में टू sec थीटा इंटू tan थीटा, sec स्क्वायर और sec स्क्वायर कितना हो गया टू sec स्क्वायर थीटा प्लस में आप मुझे ये बताएं क्या है टू sec थीटा इंटू में tan थीटा। यहां तक बताइएगा समझ में आया कि नहीं, सिर्फ जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, p की वैल्यू पुट की बेटा, p की वैल्यू पुट करने के बाद यहां a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका का प्रयोग किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन दिखाई दे रहा है, उसकी जगह मैंने क्या रखा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे tan स्क्वायर थीटा प्लस वन दिखाई दे रहा है, वहां क्या रखा मैंने sec स्क्वायर थीटा। अब यहां ऊपर देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, टू tan थीटा, इनमें कॉमन tan यहां भी है, यहां भी है, टू यहां भी है, यहां भी है, स्क्वायर में से एक बार गया तो यहां क्या बच गया tan थीटा, और साइन बीच में है प्लस का, और यहां बच गया sec थीटा। इधर आप देखिएगा यहां मैंने कॉमन लिया 2 sec थीटा, यहां बेटा मैंने कॉमन लिया 2 sec थीटा, और यहां बच गया sec थीटा प्लस में tan थीटा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है, टू tan लिया कॉमन तो एक tan यहां बच गया, साइन बीच में प्लस का है और यहां sec बच गया, यहां टू sec कॉमन लिया तो यहां sec है, बीच में साइन प्लस का है, यहां बच गया tan, और ये आपस में क्या हो गए कैंसल, क्या टू से टू भी क्या हो गया कैंसल, तो आपका बेटा यहां आ गया tan थीटा बटे में sec थीटा, और tan थीटा आपका होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और sec आपका होता है एक बटे में कोस थीटा। अब भाग को किस में चेंज करेंगे गुणा में, तो आपका आ गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटे में एक, कोस से कोस कैंसल हो गया, क्या बच गया बेटा साइन थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। दोबारा से रिपीट करता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान p दिया गया है, आपको इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, p की वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो आपका ये आ गया
उसके बाद आप देखिएगा sec square थीटा माइनस वन की जगह मैंने क्या रख दिया tan square थीटा, और tan square थीटा प्लस वन की जगह क्या रख दिया sec square थीटा, फिर tan square थीटा, tan square थीटा कितनी बार, दो बार, तो क्या आ गया दो tan square थीटा, sec square थीटा कितनी बार, दो बार, तो क्या आ गया दो sec square थीटा, ऊपर वाले में दो tan थीटा कॉमन लिया तो अंदर ये बच गया, यहाँ दो sec थीटा कॉमन लिया तो अंदर ये बच गया, ये आपस में क्या हो गया कैंसल, टू से टू क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया भाई tan थीटा बटे में sec थीटा, और बेटा tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और sec होता है एक बटे cos, भाव को गुणा में चेंज किया तो cos से cos क्या हो गया कैंसल, और आपका क्या बच गया sin थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। अच्छे से समझना प्रश्न को, नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देखना बेटा, मैंने बिल्कुल आराम से करवाया है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट प्रश्न है, और ये वाला भी प्रश्न आपके लिए अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपका लास्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है तीसवां, और तीसवां प्रश्न है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तीसवां प्रश्न है कोस ए बटा कोस बी, कोस ए बटा कोस बी बराबर दिया गया है एम, कोस ए बटा कोस बी की वैल्यू क्या दी गई है एम, और कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी है भैया बराबर दिया गया है एन, बराबर क्या दिया गया है एन, तो आपको प्रूव करना है एम की स्केयर प्लस एन की स्केयर इनटू में कोस स्केयर बी बराबर है एन की स्केयर के, आपको प्रूव करना है एम की स्केयर प्लस एन की स्केयर इनटू कोस स्केयर बी बराबर है एन की स्केयर, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ये प्रूव करना है एम स्केयर प्लस एन स्केयर इनटू में कोस स्केयर बी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब बेटा एम क्या है आपका, कोस ए बटे में कोस बी, एम तो आपका कोस ए और कोस बी है, स्केयर है तो दोनों की क्या हो जाएगी स्केयर, अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लस एन कितना है कोस ए साइन बी, स्केयर है तो क्या हो जाएगा कोस स्केयर ए बटा में साइन स्केयर बी, और इनटू में कोस स्केयर बी, यहां तक समझ में आ गया होगा। बेटा देखो मैंने m का मान आपका है cos a cos b, स्केयर है तो दोनों की स्केयर हो जाएगी, अब n का मान है cos a sin b, cos a sin b स्केयर है तो दोनों की क्या हो जाएगी स्केयर, इनटू में आपका है cos स्केयर b। अब यहां देखिए इनका एलसीएम क्या आता है, इनका एलसीएम आ गया बेटा cos स्केयर b इनटू में sin स्केयर b, इनका एलसीएम क्या आ गया कोस स्केयर बी इंटू में साइन स्केयर बी, अब इसको इससे भाग दिया कोस स्केयर बी कट गया भाई, कोस स्केयर बी से क्या बच गया साइन स्केयर बी, तो आपका क्या आ गया कोस स्केयर ए इंटू में साइन स्केयर बी, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिया है मैंने कोस स्केयर बी से कोस स्केयर बी काट दिया, क्या बच गया साइन स्केयर बी, साइन स्केयर बी को कोस स्केयर ए से गुणा कर दिया, साइन बीच में है प्लस का, साइन स्केयर बी से साइन स्केयर बी कट गया, क्या बच गया कोस स्केयर बी, और कोस स्केयर बी को किस से गुणा किया कोस स्केयर ए से, तो क्या आ गया कोस स्केयर ए इंटू में साइन स्केयर, कोस स्केयर ए इंटू में आपका क्या आ गया, एक तो आपका क्या बच गया कोस स्केयर ए और कोस स्केयर ए, और बटे में क्या है बेटा साइन स्केयर बी है ना, तो अब देखो इसको इससे भाग दिया तो साइन स्केयर बी से साइन स्केयर बी कट गया, तो क्या बच गया कोस स्केयर ए इंटू में कोस स्केयर बी,
बस ये बी ए के चक्कर में गलत मत कर देना है, बिल्कुल इजी सा, इनटू में कोस स्क्वायर बी। यहां तक समझ में आ गया होगा। जस्ट मैंने एलसीएम लिया है, जो कटा है उसको काट दिया, ऊपर वाले से गुणा कर दिया। अब यहां ऊपर वाले में कॉमन देखो क्या दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन है तो कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो क्या बच गया, साइन। अब यहां देखो क्या बच गया, साइन स्क्वायर बी। पहले वाले में तो साइन स्क्वायर बी बच गया, दूसरे वाले में कोस स्क्वायर बी। अब थीटा किसके इक्वल है, यहां बी के इक्वल है, और बटे में आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहां कोस स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट बड़ा भी रख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपकी गलती ना हो। कोस स्क्वायर बी। अब बेटा आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। यहां थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो इनकी जगह क्या रह गया, एक। तो ऊपर रह गया कोस स्क्वायर ए, और एक से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, कोस स्क्वायर बी इंटू में साइन स्क्वायर बी। और गुणा किससे हो रहा है, कोस स्क्वायर बी से गुणा हो रहा है, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, आपका बच गया कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर बी। अब देखो कोस ए बटे साइन बी किसके बराबर है, एन के, दोनों की स्क्वायर है तो किसके इक्वल आ गया, एन की स्क्वायर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। एक बार फिर से समझाता हूं, ये m का मान n का मान दिया गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये राइट हैंड साइड दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने यहां रखी तो आपकी ये आ गई, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपका ये आया, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका कोस स्क्वायर ए, तो अंदर ये बच गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक। जो बच गया उनको मैंने उतार लिया, अब कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी काट दिया, ऊपर बच गया कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, और कोस ए बटे साइन बी होता है एन, दोनों की स्क्वायर है तो क्या हो गया, एन की स्क्वायर। और यही अपने को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बेटा आपकी ये 7.1 एक्सरसाइज के 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, हल करवा दिया मैंने अच्छे तरीके से, आप करना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और फिर भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लिया करो। कल हम 7.2 स्टार्ट करेंगे, और आप रेगुलर काम करना, ये वाली एक्सरसाइज तभी आएगी जब आप रेगुलर काम करोगे, ये ध्यान रखना। थैंक यू।